अडानी ग्रुप के शेयरों में हो रही लगातार गिरावट के बीच में अगर एक से दो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहां पर निकल कर आ जाती है तो डेफिनेटली वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी वीडियो के अंदर हम अडानी ग्रुप से रिलेटेड दो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है उसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ अडानी पावर को लेकर कल भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ अडानी पावर के जो नए सपोर्ट लेवल आए थे वो आपके साथ शेयर करे थे और जिसमें से पहला सपोर्ट आज के दिन ही हमें अडानी पावर के अंदर हिट होते हुए देखने को मिल चुका है। बात करें अडानी ग्रुप्स के अनदर शेयर्स के बारे में जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर आज हमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले, एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें यहां पर देखने को मिली है। अब बात करें अडानी ट्रांसमिशन की, तो अडानी ट्रांसमिशन के अंदर तो आज हमें 5% का अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल चुका है। तो यहां पर ग्रुप से रिलेटेड यानी कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है, जो कंपनी ने नई एक्विजिशन करी है जिसके कारण अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स को यहाँ पर अल्टीमेटली बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। अडानी पोर्ट्स की भी बात करें तो अडानी पोर्ट्स के अंदर भी आज हमें लगभग 2.5% तक की बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में, तो अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में भी आज हमें लगभग 0.52% की अपवर्ड की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली है और जो न्यूज़ भी यहां पर निकल कर आई है वो अडानी इंटरप्राइज से रिलेटेड ही है। न्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर करूं उसके पहले यहां पर आप देख सकते हैं अडानी टोटल गैस के अंदर भी आज के दिन हमें 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। तो अगर आपने अडानी ग्रुप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या स्ट्रेटेजी आपको यहां पर लेकर चलना है वो तो आगे हम बात करेंगे। अभी मैं सबसे पहले आपको जो कंपनी की तरफ से यानी कि जो अडानी ग्रुप्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट्स निकल कर आई है उसके तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अडानी रोड ट्रांसपोर्ट एक्वायर्स 49% स्टेक इन MBCPNL फॉर ₹1680 करोड़। तो यहां पर कंपनी ने जो एक्विजिशन करा है लगभग 49% का स्टेक उन्होंने यहां पर एक्वायर कर लिया है MBCPNL के अंदर। लेकिन आपको मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि अडानी रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो यहां पर यानी कि NSE और BSE पर लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसका अल्टीमेटली बेनिफिट यानी कि ये जो एक्विजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इसका अल्टीमेटली बेनिफिट कंपनी यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस को यहाँ पर मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं अडानी रोड ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है वो यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस की ओन सब्सिडरी कंपनी है जिसने यहाँ पर 16 अगस्त यानी कि कल ही के दिन यहाँ पर 49% का स्टेक यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क लिमिटेड का एक्वायर कर लिया है, जिसमें कंपनी ने 1680 करोड़ में यह एक्विजिशन कंप्लीट किया है। अपार्ट फ्रॉम द अबव एक्विजिशन अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड हैज एन ऑप्शन टू एक्वायर एडिशनल स्टेक ऑफ MBCPNL व्हिच इज अ सब्सिडरी ऑफ सातभव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड। कंपनी की इस एक्विजिशन से अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अडानी ग्रुप से जो सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है वो है सुपर ऐप से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपको रिसेंटली ITC की भी एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिली थी जिसमें ITC ने भी सुपर ऐप की बात कही थी। साथ ही साथ टाटा ग्रुप का सुपर ऐप भी आपको सेप्टेम्बर मंथ में आते हुए देखने को मिलने वाला है। रिलायंस का सुपर ऐप ऑलरेडी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है और अब इन्हीं सबके साथ में अडानी ग्रुप्स भी अपने सुपर ऐप को लॉन्च करने का यहां पर मन बना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस एंड अडानी डिजिटल लैब्स विल बी डेवलपिंग द सुपर ऐप इन द कमिंग मंथ्स। गौतम अडानी सन जीत अडानी एंड नेफ्यू सागर अडानी टू स्प्रेड द डिजिटल डिवीजन। गौतम अडानी सेड द अडानी डिजिटल लैब्स मस्ट बी द फरारी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। तो यहाँ पर सुपर ऐप की रेस में हमें अडानी ग्रुप्स भी यहाँ पर अब इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अडानी सेड दैट द आइडिया टू क्रिएट अ सुपर ऐप took a shape in January this year when two people from the business team showcased a mock-up version of the super app to Adani. Seeing the demo unfold, it took me less than 30 minutes to decide that we must become a player in this space. Adani Groups, the group boasts over 400 million mix of consumers that engage multiple levels within Adani Forum of Serving, including Adani Airports. तो जैसा कि आपको पता है कि अडानी ग्रुप्स अब अडानी एयरपोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अडानी ग्रुप्स का अडानी एयरपोर्ट्स के अंदर स्टेक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट भी अडानी ग्रुप्स को मिल रहा है।
साथ ही साथ अडानी ग्रुप्स जो यहाँ पर आईपीओ भी लाने जा रहा है अडानी विलमार का, और साथ ही साथ अडानी एयरपोर्ट्स के भी आईपीओ आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने भी अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ यहां पर कंपनी की तरफ से निकल कर आई है। अगर अडानी इंटरप्राइजेस के आज की अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज अडानी इंटरप्राइजेस की 30,62,815 क्वांटिटी हमें एनएसी के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुकी है, जिसके सामने लगभग 32% डिलीवरेबल बेस काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर जो टेक्निकल रेटिंग्स भी निकल कर आ रही है वो न्यूट्रल की निकल कर आ रही है। न्यूट्रल से मेरा मतलब है अगर आप अडानी ग्रुप्स की बाकी लिस्टेड कंपनियों की बात करें यानी कि अडानी पोर्ट्स को और अडानी टोटल गैस को छोड़कर, तो यहाँ पर जो टेक्निकल रेटिंग है वो बियरिश मोड में देखने को मिल रही है, जिसमें खासकर अडानी पावर बुरी तरीके से यहाँ पर पिटा रहा है। अगर आपने अडानी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है तो अब आपको जो सेकेंड सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर किया था उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अडानी पावर के अंदर आज भी आपको एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अडानी पावर को लेकर यहाँ पर जो भी अपडेट्स निकल कर आ रही है वो कंटिन्यूसली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अब बात करें अडानी पावर के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप प्रॉफिट में हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अडानी पावर के अंदर ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस में आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यानी कि लॉस बुक कर सकते हैं, और जब अडानी पावर के अंदर कुछ मूवमेंट अपवर्ड्स के आपको देखने को मिले यानी कि जब टेक्निकल रेटिंग्स थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है, कभी जब यहां पर कंपनी की तरफ से एलिगेशंस हट जाते हैं, तब आप इसके अंदर वापस फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं और वापस अपने जो लॉस आपने यहां पर बुक किया है उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर इसकी टेक्निकल रेटिंग बिल्कुल भी यहां पर बुलिश और न्यूट्रल नहीं है, यहां पर पूरी तरीके से अडानी पावर क्रैश होने की ही कगार में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि डी लिस्टिंग से रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट्स निकल कर नहीं आई हैं, तो रूमर से बचकर रहिएगा। डी लिस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई बड़ी अपडेट्स आती भी है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या अडानी पावर का, क्या अडानी ग्रुप्स का सुपर एप अडानी ग्रुप्स की कंपनियों की किस्मत बदल सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अडानी ग्रुप्स, क्या रिलायंस टाटा ग्रुप और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमें अमेजोन जैसे बड़े सुपर ऐप देखने को मिल रहा है मार्केट में, क्या उन्हें यहाँ पर बीट कर सकता है, क्या आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपकी कमेंट्स का। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।